अभी जब मैं इस बच्ची को देखने आई तो वो ऑपरेशन थिएटर से रूम में आई है और उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट के अंदर उन्हें रखा गया है। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अच्छी तरह से जल्दी उसका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो, और ट्रीटमेंट के लिए जितना भी खर्च आएगा मैं उनको बोल चुकी हूँ कि मैं दिल हम अपनी पूरी सरकार की ओर से दिल से जो चाहते हैं हमारी केंद्र सरकार पूरा उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार है। दूसरा उसका स्टमक का अंदर इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ है और वो अभी बात कर रही उसने पेरेंट्स से बात की अपने, और उनको अभी तक तो यही बता पा रहे कहाँ पेन है, लेकिन केवल जब उसके फादर उसे मिले तो वो रोई थी। अभी पूरी तरह से बात करने में ठीक नहीं है क्योंकि इतने पेशेंट के साथ हम सब लोग जाके, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है कोई इन्फेक्शन ना हो, लेकिन वो जिस तरह से उसे रखा गया है उसमें हम बाहर से ही बात कर पाए थे। ये बात ठीक है, उसके माँ बाप से भी पूछा, उन्होंने बड़े एक ब्लंट शब्दों में कहा उसे फांसी होनी चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट, विमेन मेंबर पार्लियामेंट भी ये कह रहे हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी मिले। क्या उसका होना चाहिए, कोर्ट क्या डिसाइड करेगा? जब तक कोर्ट डिसाइड करेगा, मैंने अपने मंत्रालय को कहा है कि कोर्ट को हमें कहना है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर ये डिसाइड हो, जिससे पूरे देश को पता चले कि इस तरह के हादसे करने वालों को क्या सजा हो सके।